यातायात माह का शुभारंभ थाना सिविल लाइन के पीलीकोटी स्थित यातायात माह का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। बता दें कि आज रविवार को सिविल लाइन स्थित पीलीकोटी के पास यातायात माह नवंबर का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी व जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SSP प्रभाकर चौधरी ने कहा कि यातायात माह के चलते लोगों को जागरूक किया जाएगा और यातायात के नियम भी बताए जाएंगे। यातायात माह के दौरान सड़कों पर जगह जगह यातायात नियम के स्लोगन भी लगाए जाएंगे ताकि उन्हें देखकर यह उन्हें पढ़कर वाहन स्वामी यातायात नियमों का पालन कर सकें। अक्सर देखा जाता है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहन स्वामी यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर वे हाईवे पर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस मौके पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने भी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और सही तरीके से वाहन चलाएं और सुरक्षित रहें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हाईवे पर खुले रास्तों पर वाहन स्वामी यातायात नियमों का पालन कम करते दिखाई देते हैं। इसलिए यातायात पुलिस ने जगह जगह यातायात नियमों के स्लोगन लगा दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि इस माह लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। स्कूल कॉलेजों में भी यातायात जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए ताकि लोग यातायात के प्रति जागरूक रहें। वहीं जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करते हुए यातायात नियमों का पालन करें ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। हाईवे पे चलते हैं, संभल के चलते हैं, वो कई जगह टोल बैरियर रहता है, वहाँ भी उनकी स्पीड और जगह काफ़ी रहती है तो वहाँ इतना इशू नहीं आता है। लोग सीट बेल्ट वगैरह लगा कर भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर मृत्यु के आंकड़े देखें तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बनी हैं वहाँ पे ओवर स्पीड के चक्कर में या नशे के चक्कर में इन सब की वजह से ज़्यादा होता है, और हेलमेट ना लगाने से बहुत ज़्यादा होता है। विशेष तौर से गाँव में जितनी भी मौतें होती हैं ऐसा हेलमेट ना लगाने की वजह से, कहीं कोई गिर गया, कोई जानवर आ गया, कोई और चीज़ आ गया, उसके चक्कर में लोग गिर जाते हैं और फिर उनके सिर में चोट आने से बहुत ज़्यादा डेथ होती है। पिछले साल कुल 514 दुर्घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, जिसमें से 281 लोगों की मृत्यु हुई थी और 394 लोग घायल हुए थे। ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ ये जब ऑन स्पॉट जो डेथ हुई थी वो वाला है, इसके बाद जो अस्पताल में गए होंगे उसमें से भी काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। और अभी हमारी जो है ट्रैफिक लाइट्स वगैरह ठीक से काम कर रही हैं तो इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोग यातायात के नियमों का पालन करने से हमें हमारी अपनी ज़िंदगी बचती है, हम किसी भी दुर्घटना में जाने से बचते हैं। तो जो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है उसके लिए तो बहुत थोड़ी बहुत जागरूकता भी अगर कर दी जाए तो खुद से जागरूक होना चाहिए कि हमें ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, जो हमारे लिए हितकर है कम से कम उसको हमें अपने लिए सोचना चाहिए। वाहन पे प्रायः चलते समय जब हम लॉन्ग रूट पे होते हैं तो भी बहुत सारे लोग आप देखते होंगे सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो लोग 90% तक जो है मास्क लगाते थे, लेकिन आजकल थोड़ी सी लापरवाही बढ़ गई है। तो मैं पुनः अपील करूँगा इस मौके का लाभ उठाते हुए कि लोग इसको समझ लें कि अभी चूँकि वैक्सीन और नहीं आई है, कोई दवा नहीं है, लिहाजा जो है लोग मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, कोरोना से आप लोग बचेंगे। यातायात माह का प्रारंभ आज से हो रहा है, इसमें जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स